आमतौर पर आप सभी ने एलोवेरा का नाम सुना और इसके पौधे को जरूर ही देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इसके फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसके पत्तों और जड़ों से लेकर सभी भागों में पर्याप्त मात्रा में पानी पाया जाता है। यही कारण है कि इसको आराम से घर पर भी लोग उगाते हैं। इसके उगाने के दौरान कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। दूसरी ओर इसका जूस निकाल करके सेवन किया जाता है, या फिर हो बल्क शुगर या स्किन के लिए फ़ायदेमंद के सवाल हों। वहीं दूसरी ओर एंटीऑक्सीडेंट से यह भरपूर होता है। वहीं इसके ऐसे गुण हैं जो कि हमारे पाचन से संबंधी समस्याओं को दूर करते हैं, साथ ही कब्ज में राहत दिलाने के साथ साथ हार्ट की समस्याओं से लेकर इसका जूस का सेवन करने से हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल्स की नहीं होती है कमी। देखिए क्या कुछ कहना है डॉक्टर का, क्या आयुर्वेद में महत्व रहता है? देखिए एलोवेरा जो है इसकी बहुत सारी प्रजातियाँ, 300 से अधिक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, और एलो बारबेडेंसिस मिलर जिसका औषधि प्रयोग होता है वही प्रयोग करना चाहिए। कुछ विषैली भी होती हैं, तो बिना चिकित्सक परामर्श इसका प्रयोग नहीं ऐसे किया जाता है। सामान्यतर लोग जो है इसका स्किन को साफ करने के लिए, त्वचा रोगों में दागों को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन एलो जो बारबेडेंस मिलर है इसके गूदे में एक सेपोनिन नाम का पदार्थ होता है जी, जो कि हमारी जो है आंतों को साफ करता है। आंतों में जमे हुए टॉक्सिन्स को, मल को बाहर निकाल के एक जो है लीवर को एंजाइम्स के लिए प्रेरित करके तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारता है, आंतों की सफाई करता है। बहुत अच्छा जो है ये डिटॉक्सीफायर है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग जो है हम लीवर को ठीक करने के लिए, एंजाइम पेंक्रियाज को ठीक करने के लिए, पेंक्रियाज में बीटा सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाता है, तो शुगर में भी इसका जो है अच्छा प्रयोग किया जाता है डायबिटीज के रोगों में। इसके अलावा जो है एलोवेरा का सौंदर्य प्रसाधनों में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। हर जितने भी जो है आपके क्रीम्स हैं इसमें एलोवेरा का सूथिंग एजेंट के रूप में उपयोग करते हैं, और क्लिंजर भी अच्छा होता है। जिस प्रकार लसलसा पदार्थ होता है जो आपने बताया था, इसका सेवन किस तरीके से करें, क्या जटिलताएँ रहती हैं? इसका सेवन अगर मान लीजिए ओरली करना है हमें खाने के लिए, तो इसका जूस निकाल के और अन्य जूस के साथ प्रयोग भी कर सकते हैं, और अकेले इसका जूस का प्रयोग भी किया जाता है। 10 से 20 ml जूस जो है हम उसको ले सकते हैं। हालांकि गर्भवती महिलाओं में और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, और करना भी है तो चिकित्सक के परामर्श से इसका प्रयोग करें। जिस प्रकार इसका जो गूदा होता है उसको फेस पे लगाते हैं, तो किस तरीके से जो इसके इफेक्ट रहते हैं वो रहते हैं? फेस पे लगाने के लिए हम उसका गूदा निकाल के सबसे पहले इसके जो चेहरे पर मालिश करते हैं, तो इससे क्या होता है पहले सफाई करता है, क्लीनिंग करता है, और दाग धब्बे कील मुहासे इनको हटाता है, साथ में हमारे चेहरे पे चमक लाता है। बहुत अच्छा जो है ये डिटॉक्सिफायर भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल टीम के लिए सत्यम कटियार की रिपोर्ट।